आज हमारे पास सारे गैजेट्स है सिवाय एक चीज के। राहुल भाई क्या है वो? टेंट। टेंट हम लाए नहीं है। तीन पेड़ ये है और एक पेड़ ये है। तो अपने ना यहाँ पे जो चारों पेड़ है इन पे हम अभी रैप करने वाले हैं। ऊपर जो चूल्हा है ना, मैंने इसको साफ किया था और इसका जो वाशर है वो शायद कहीं ना कहीं गिर गया है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो गैस लीक हो रही है। तो अब प्लान टू चूल्हा लकड़ियां ढूंढनी पड़ेंगी अपने आसपास से, और जो अपना टेंट है उसके बाहर हमें आज खाना बनाना पड़ेगा। मैदा है और मैदे में जो मैंने मसाले डाले थे वो है, और इसको एक बार वाटर में डिप करना है। ऐसे वाटर में डिप हो गया। राहुल भाई बटर डाल ले इस पे। अरे गजब। सॉस और धनिया ऐसे लगा के, और एक प्याज का टुकड़ा यहाँ पे, फिर उसके बाद तो भाई फाइनली अपनी लोकेशन में हम आ गए हैं। आज हमारे पास सारे गैजेट्स है सिवाय एक चीज के। राहुल भाई क्या है वो? टेंट। टेंट हम लाए नहीं है। टेंट की जगह आज हम करेंगे प्लास्टिक रैप। और भाई हमने जो लोकेशन है ना, यहीं पे हमें पेड़ मिले। यहाँ पे तीन पेड़ ऐसे है जहाँ पे हम इसके चारों ओर ये प्लास्टिक का रैप करेंगे और टेंट बनाएंगे मस्त। और भाई आने में हमको देर हो गई क्योंकि हम भाई लोकेशन ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आए। हम पहले सब जगह हमने सर्वे किया, चेक किया। वैसे हमें ये जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए था लेकिन नहीं कर पाए हम। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हमको स्पेस मिल गया है और जगह भी सेफ है। कहने को सेफ है क्योंकि आजकल यहाँ पे क्या है ना, लेपर्ड का बहुत ज़्यादा आतंक है। तो घर वालों ने भी बोला था कि यार आजकल थोड़ा कैंपिंग अवॉइड करो। जो लेपर्ड वगैरह है वो हमारे घरों के आसपास भी आ जा रहे हैं, इतना खतरनाक हो रखा है। तो सीन अभी ये है, पहले फटाफट से अपना टेंट जो आज हमने शेल्टर बनाना है ना, जिसके अंदर हम रहेंगे, तो वो बनाना है प्लास्टिक रैपिंग। इंडिया में बहुत कम करते हैं प्लास्टिक रैपिंग, शायद एक दो जो यूट्यूबर है उन्होंने ही किया है, तो अभी आज हम करने वाले हैं। तो भाई राहुल भाई आज हमारी हेल्प करेंगे। तो अपने ये तीनों पेड़, वैसे चार पेड़ है, तीन पेड़ ये है और एक पेड़ ये है। तो अपने ना यहाँ पे जो चारों पेड़ है इन पे हम अभी रैप करने वाले हैं। ठीक है, ऊपर और हो रहा है इसका, और ऊपर एक बार इसके रहकर और ऊपर ले जाना, अब सीधे जाना वहाँ। अपना शेल्टर ना देखो प्रॉपर यहाँ पे लग चुका है। राहुल भाई अभी घुमा रहे हैं। घुमाते जाओ। मजा आ रहा भाई? तो मैं इसके अंदर हूँ और देखो भाई पूरी तरह से चक्कर आना भी चाहिए। बाकी यहीं पे अपनी कैंपिंग होगी, बहुत स्पेस है अपने पास। बाकी अपना सामान यहीं पे है। तो फाइनली अपना ये हो गया है और यहाँ पे राहुल भाई से कट करेंगे। अब इतना रैप बच गया हमारा, क्योंकि रात को कीड़े मकोड़े ना घुस जाए, तो इसके लिए भी अभी नीचे ध्यान देना पड़ेगा।
फाइनली अपना प्लास्टिक रैप हाउस बन चुका है और अब लाइटिंग वगैरह करते हैं इसमें। भाई अब यहाँ पे ठंड बढ़ चुकी है और अभी हम इसमें मैटिंग करने वाले हैं, इसलिए जितना सामान है ना अपना हमने बाहर निकाल दिया है। बाकी राहुल भाई मैट वगैरह बिछा रहे हैं। राहुल भाई मजा आ रहा है। मैट वगैरह तो लग गई यार अपनी, स्पेस तो बहुत है यहाँ। हाँ बहुत है, है ना भाई। ये स्पेस देखो और ये स्पेस देखो भाई, मजा आ गया। देखो बिल्कुल भी हवा नहीं घुस रही अंदर, बिल्कुल भी नहीं, एक दरवाजे सारा बंद है भाई, है ना। तो जो वार्म लोअर है वो निकाल लिए और वैसे तो ठंडा इसके अंदर हो नहीं रहा है। बाकी दरवाजा बंद कर लेते हैं सेफ्टी पर्पज से ना। तो पहले भाई कॉफी बनाते हैं यार, आज राहुल भाई के स्टाइल में कॉफी बनाएंगे, जैसे ये बनाते हैं ना फेट के वाली कॉफी बनाएंगे। तो भाई पहले बनेगी अपनी कॉफी और जिसे बनाएंगे अपने राहुल भाई, और इसके बाद आज बहुत जबरदस्त चीज बनने वाली है भाई। थोड़ा सा मुझे बचा के करना पड़ेगा क्योंकि क्या है ना यहाँ पे प्लास्टिक रैप है, और दूसरा हमें आज बहुत कम करनी पड़ेगी क्योंकि अंदर ना फिर भाप हो जाएगी और ज़्यादा, और तो हमें दिक्कत हो सकती है। शार्क लेने का ना तो अब हमें जाना पड़ेगा चूल्हे में और हम रिस्क नहीं ले सकते। वैसे तो इसमें बन जाएगा लेकिन इसमें हल्की गैस लीक हो रही, और मैंने आज ये ओपन भी किया था जो चूल्हा है ना, मैंने इसको साफ़ किया था और इसका जो वासर है वो शायद कहीं ना कहीं गिर गया है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया तो गैस लीक हो रही है। तो अब प्लान टू चूल्हा लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ेंगी अपने आसपास से, और जो अपना टेंट है उसके बाहर हमें आज खाना बनाना पड़ेगा। अभी ढूंढी जा रही है लकड़ियाँ, राहुल और मैं जो ये लकड़ियाँ हैं ना छोटी छोटी ये ले आए हैं, और अभी राहुल भाई यहाँ पे पत्थर भी ले आए हैं क्योंकि चूल्हा भी यहीं पे बनेगा ना। बाकी प्लान नंबर वन तो अपना ख़राब हो गया और प्लान नंबर टू में चूल्हा है, और देखते हैं। और यहाँ पे वैसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अपने पास लाइटर वगैरह है ही, तो चूल्हा ही सही रहेगा अभी क्योंकि और तो कोई ऑप्शन है नहीं, इसी में ही अपनी कॉफ़ी वगैरह बनेगी। तो राहुल भाई ने अच्छे से यहाँ पे सफाई कर दी है जिससे ना आग फैलेगी नहीं। अब फटाफट से इसमें, यार राहुल भाई दोनों बर्तन से अच्छा एक ही बर्तन लगाते हैं ना। हाँ वही, ज़्यादा दूर मत जाना ठीक है, क्योंकि भाई आजकल लेपर्ड का भी आतंक है ना यहाँ पे, तो मैं नहीं चाहता कि राहुल टेंट से दूर जाए। तो भाई अब टाइम आ गया है इसमें दूध डालने का, राहुल
राहुल भाई ने यार मतलब जो चीज़ सिखाई है ना, मैं पहले ऐसे कॉफ़ी नहीं बनाता था, जब से राहुल भाई ने ये फेट फेट के कॉफ़ी बनाना सिखाया ना भाई, मैं ऐसे ही कॉफ़ी बनाता हूँ एवरी कैंपिंग में। अब वेट करते अपने दूध के गर्म होने का और उसके बाद भाई कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। और भाई आज डिनर में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाली डिश है अपने पास और मज़ा आएगा ना राहुल भाई बहुत। हो गया ना पूरा बराबर है। और दूसरा खिला देता हूँ ना। बढ़िया सॉफ्ट हो रही है ना। तो भाई चीयर्स, राहुल भाई ने जो कॉफी बनाई है टेस्ट करते हैं भाई। जबरदस्त, मजा आ गया यार, ऑसम हो रही है ठंडे में कॉफी। और ठंडे में भाई ये कॉफी मिल जाए ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया। आ हा हा हा, सुड़ुक सुड़ुक करके पीने का मन कर रहा है क्योंकि ठंडा बहुत ज्यादा है। सामने की पहाड़ियां ना मतलब गजब होती है, लाइटिंग वाइटिंग मतलब ऐसे जगह पे रिसोर्ट रिसोर्ट होना चाहिए ना। हाँ। ना बढ़िया, क्या जबरदस्त जगह है ना, व्यू तो बहुत जबरदस्त रहता है। एक ये और एक रिवर साइड। हाँ रिसोर्ट उसी के लिए तो वहीं होता है। तो भाई एक बार मुआयना भी कर लेते हैं, कॉफी जस्ट अपनी अभी ख़त्म हुई है और एक बार मुआयना कर लेते हैं, कोई अपने आसपास तो नहीं है। और तो अपने आसपास कोई नहीं है यहाँ पे। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। तो अब आज हम बनाने वाले हैं जो अपने चिकन लेग्स होते हैं ना, इनको हम फ्राई करने वाले हैं। और देखो यार किस तरह से बनते हैं, ये हम पैकिंग वाले लाए हैं और इसमें 10 पीस है और हम दो लोग हैं भाई। दो लोग, क्योंकि हम पहले 3 लोगों का प्लान था लेकिन एक भाई का अर्जेंट काम आ गया तो इस वजह से अब दो लोग हैं और 10 लैग पीस है। तो राहुल भाई मजे आने वाले हैं, मतलब एक के हिस्से में कितने लैग पीस आएंगे? 5 लैग पीस आएंगे भाई। तो कोई नहीं, इसीलिए ना चावल ना रोटी कुछ नहीं बनेगा, ओनली ये लेग पीस फ्राई होंगे। हाथ अपने अच्छे से वॉश हो गए हैं क्योंकि इसमें अब मसाला मिक्स करना है हमने। तो सबसे पहले करते हैं इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च, ये पहाड़ी लाल मिर्च है, ये अपना जीरा और गरम मसाले का पाउडर है। तो भाई इसको अब अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें लगाते हैं गार्लिक पेस्ट। तो भाई ये है बटर और ये है ब्लैक पेपर। थोड़ा थोड़ा मसाले मिला लेते हैं इन पे। इसमें थोड़ा सा सॉस मिलाते हैं, पानी की जगह सॉस यूज करेंगे जिससे अच्छे से चिपकेगा ये। जो चीज हमें पहले करनी चाहिए थे वो हमें अभी करनी पड़ी। इनको भी कर लेते हैं भाई साथ के साथ, ये पहले करने चाहिए थे लेकिन बातों बातों में ये भूल गए क्यों राहुल भाई। हाँ। तो इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं और जितना मसाला है ना ये जितना हमने बनाया हुआ है ये देखो, इसको अच्छे से इस पे लगा के आधे एक घंटे के लिए छोड़ देंगे। जैसे ये तैयार हो गया, इसको हमने रख दिया यहाँ पे और ऐसे ही ये भी रेडी हो गया है। ऑयल जो है ना, ऑयल गर्म करो
क्योंकि अब आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है भाई, और इसको अब हमने कोट करना है और डीप फ्राई करना है। मज़ा आने वाला है भाई, अब भूख भी बहुत लग रही है यार। आधा एक घंटा तो हमें कॉफ़ी पिए हो गए हैं, और उससे पहले हमने डेढ़ घंटा पूरा लगा के यहाँ पे अपना टेंट रेडी किया है भाई। डेढ़ घंटे से वैसे ज़्यादा लग गया होगा ना? हाँ, क्योंकि पहले तो हमको लोकेशन ढूंढने में ही यहाँ टाइम लग गया, उसके बाद डेढ़ घंटा हम यहाँ पे जब आए फिर हमने इसको कैसे कवर किया हम ही जानते हैं भाई, क्योंकि आपको पता है ना प्रॉपर ऊपर से, क्योंकि रात को क्या है कि ओस गिरती है यहाँ पे, और बाकी ऊपर से भी टहनियाँ टूट सकती है पेड़ की, तो इसलिए हमने इसको ऊपर से डबल कवर किया, बहुत मजबूत है। अगर ऊपर से बड़ी टहनी भी गिरती है ना तो झेल लेगा भाई। तो ये है अपने स्प्रिंग अनियन, ओके। तो भाई अब इसको करते हैं कोट, तो पहले इसको इसमें डिप करते हैं अच्छे से, इसमें अच्छे से देखो मैदा है, और मैदे में जो मैंने मसाले डाले थे वो है, और इसको एक बार वाटर में डिप करना है ऐसे। वाटर में डिप हो गया, अगेन इसको इसमें फिर से डिप करना है। हो गया, ओके, वन पीस रेडी। अब सेकंड पीस ऐसे ही सारे कर लेंगे भाई कोट। तो भाई साथ के साथ इसमें धनिया भी काट लेते हैं। तो दो लेग पीस इसमें फिट आ रहे हैं, है ना? वाव, जबरदस्त भाई, मजा आ गया। तो भाई चिकन अपने कंप्लीट रेडी होके आ गए हैं, और राहुल भाई बटर ला रहे हैं। तो राहुल भाई और मैं टेंट पे आ गए हैं, अब राहुल भाई बटर डाल ले इस पे। अरे गजब, मजा आ गया। दो प्लेट है, एक राहुल भाई की और एक अपनी, और पांच पांच लेग पीस है भाई। राहुल भाई भाई की खुशी देख रहे हो भाई, बढ़िया यार, क्या खुशबू आ रही है, जबरदस्त ना, मजा आ गया। बाकी ये रहा अपना सैलेड, और केचप डाल दो यार, केचप बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। क्या गजब लग रहा ना भाई, अब टेस्ट करते हैं यार इसको। तो भाई एक चीज की कमी थी, बट वो सही भी है, कोल्ड ड्रिंक की। कोल्ड ड्रिंक, और अभी ठंडा इतना है ना भाई कि हमारी कुल्फी जम जाएगी, गलेगी। तो बाकी चिकन लेग पीस, ओए होए मजा आ गया भाई देख, अब टेस्ट करने हैं। टेस्ट क्या, आप खाना ही है, खाना ही है। तो देखते हैं, मतलब स्वाद लेते हैं इसका कैसा है। जबरदस्त भाई, मजा ही आ गया, ऑसम। ओए होए होए, आज तो पांच लेग पीस है अपने पास, और राहुल भाई टेस्ट कैसा है? जबरदस्त, जबरदस्त। पहली बार स्टार्टर से ही प्लेट पेट बनना है। टोमेटो केचप है मैगी वाली, उसी से ही काम चल रहा है, और भाई जो जबरदस्त टेस्ट आ रहा है ना इसका, इसके साथ मजा ही आ गया। बाकी चिकन कितना स्मूथ हो रहा है ना, हाँ, अच्छे से गला हुआ है, और जो इसकी बाहर की लेयर है ना भाई, गजब पकी हुई है। बाकी राहुल भाई बताएंगे भाई, देख के बदल ला दो।
इसके साथ जो लच्छा प्याज है ना, लच्छा प्याज ही हुआ है। हाँ, क्योंकि हमने लच्छे मतलब जो इसके सर्कल है ना, हमने वही बनाए हुए हैं। बहुत ही प्यार से घुल रहा है भाई। ओहो हो, क्यों भाई? राहुल भाई कह रहे मजा आ रहा है, खाने में ध्यान दो। मतलब खाने पे ध्यान दो, और दूसरा क्या है ना, मतलब लपेट लो भाई। पूरी टक्कर है, पूरी टक्कर है। लेग पीस पे ना सॉस और धनिया ऐसे लगा के, और एक प्याज का टुकड़ा यहाँ पे, फिर उसके बाद मेरा अपना एक्सपीरियंस है, थोड़ा हटके ट्राई करना, बट तो फाइनली अपना खाना भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। और उसके बाद ना हड्डियाँ हम यहाँ से बहुत दूर गए और वहाँ पे गड्ढा करा हमने, उसके बाद हड्डियाँ उसमें दबा दी नीचे, क्योंकि वो दूर है यहाँ से, और लेपर्ड को स्मेल वगैरह भी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे डर लेपर्ड का ही है और किसी का डर है नहीं। बाकी भाई ने तो अपना स्लीपिंग बैग खोल लिया है, मुझे भी खोलना है। उससे पहले मैं पिलो फुला लेता हूँ। एक पिलो तुम्हारा भी है भाई, पीछे ही हो। तो यार कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे ये शेल्टर इतना सेफ है नहीं भाई, मैं सच बताऊं बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बिल्कुल तो डर भी लग रहा है, सेफ नहीं है, लेकिन हम लाइट वाइट पूरा बंद कर देंगे। बाकी अपने पास हथियार हमारे पास है, सेफ्टी वेपन। बाकी दो लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे टेंट भी देखा जाए तो टेंट भी कितना पतला होता है, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि ये ट्रांसपेरेंट है, और ये टेंट वैसे फिर भी मजबूत रहता ही है यार, ये उतना मजबूत नहीं है। बाकी गाइस अब टाइम आ गया है सोने का, तो राहुल भाई आज का खाना A1 A1 और आज का टेंट A2 है ना। तो भाई ओए होए मजा आ गया, तो सोते हैं, आराम करते हैं, और आपसे मिलते हैं कल सुबह। तो सभी को गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी हम उठ चुके हैं और अभी सुबह के 8 बजे हैं। बाकी अपना जो टेंट था ना भाई, बहुत ही ज्यादा औसम था, और अंदर राहुल भाई ठंडा हुआ नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ भाई। मैं एक बार आपको इसको चारों तरफ से एक्सप्लोर कराता हूँ, क्योंकि कल रात अंधेरे में आप देख नहीं पाए होंगे किस तरह से था। तो इस तरह से अपना ये टेंट लगा हुआ था, और हमने ये तीनों पेड़ों पे लगाया हुआ था, ये तीन पेड़ इस साइड से और उस साइड से भी एक पेड़। तो इस तरह से अपना ये टेंट था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया भाई, मतलब एक नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए। बाकी अभी राहुल भाई बना रहे हैं चाय, सॉरी कॉफ़ी ना, कॉफ़ी। तो भाई राहुल भाई अभी कॉफ़ी बना रहे हैं, और ये अंदर का सीन है, बिल्कुल भी कहीं से हवा 1% भी नहीं, देखो ये मच्छर वच्छर सारे बाहर ही है। तो भाई राहुल भाई अभी कॉफ़ी बना रहे हैं, तब तक मैं जो स्लीपिंग बैग वगैरह हैं इन्हें पैक कर लेता हूँ।
हमारे जो खेतों वेतों में पॉली हाउस होते ना, तो वहाँ पे ये काम आ जाएंगे। हम जहाँ पे पॉली हाउस फटे वगैरह रहते हैं ना, तो वहाँ पे इनको हम लगा देंगे और रिपेयर हो जाएगा उससे पॉली हाउस। बाकी इसको अच्छे से हमें समेटना पड़ेगा यहाँ से, ताकि फिर क्योंकि ये मुड़ जाता है ना एक बार, फिर खराब हो जाता है। तो फाइनली अब टाइम आ गया है इसको पैकअप करने का। तो जो ये पहले टेंट है ना, जो अपने प्लास्टिक रैप बनाया है, इसको पहले उतार लेते हैं अच्छे से। इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन अच्छा है, अपने पास टाइम की कोई कमी नहीं है। जब इसे लगाने में हमारे 1.5 घंटे जा सकते हैं, इसको उतारने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो गाइस फाइनली अपना सामान यहाँ पे पैक हो गया है। दूसरा ये टेंट, जो टेंट है ना, ये पूरा प्लास्टिक हम काम में लाएंगे, चाहे वो हमारे घर की रोटियाँ पैकिंग हो या कोई भी सामान को पैक करना हो तो इससे करेंगे। बाकी ये पॉली हाउस वगैरह में भी काम आ जाएगा उसको अच्छे से रिपेयर करने में। तो बाकी ये भी हमारे यूज़ में आ गया, इसका वेस्ट नहीं हुआ पहली चीज़। दूसरी चीज़, साफ़ सफाई कर दी है हमने, आग वगैरह अच्छे से बुझा के जा रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और यार मैं कभी लाइक का एम रखता नहीं हूँ, लेकिन इस वाले वीडियो में मैं टेंट की वजह से मैं इसमें लाइक का एम रख रहा हूँ। अब मैं लाइक का एम कितना रखूँ समझ नहीं आ रहा। मिनिमम 5000 चलो 5000 लाइक देखते हैं इस पर, आप लोगों के ऊपर है यार। भाई वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर देना। तो गाइस जो ये अपना टेंट था ना शेल्टर वाला, तो इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था और काफ़ी मज़ेदार था। बस हाँ, थोड़ा सा दिक्कत यह है कि ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, तो इस वजह से आपको दिक्कत हो सकती है थोड़ा सा वाइल्ड एरिया में, है ना। तो ज़्यादा डीप जंगल में इस टाइप की चीज़ें मत करना भाई। और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए गुड बाय।